अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी बनने जा रही है, थोड़ी सी रोज़मर्रा से हटके। मैंने आप लोगों को कहा था कि रोज़मर्रा की सीरीज़ चलती रहेगी, वो नहीं अभी ख़त्म हो रही, बट बीच बीच में मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को भी पूरी करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों ने इतने प्यार से इतने मान से रिक्वेस्ट की है तो पूरी तो करनी है। आज एक बहुत मज़े की रेसिपी बनने जा रही है, रेसिपी से ज़्यादा इसकी प्रेजेंटेशन पे फोकस करूँगी और करती हूँ मैं यूजुअली। तो आज हम बना रहे हैं सैंडविच प्लेटर या सैंडविच बोर्ड, आप इसको जो भी नाम दे दें। ये जो एक रिक्वेस्ट थी ये रमज़ान से पहले से आई हुई थी कि ईट ट्रॉली के लिए सिखा दें, लेकिन बस वो आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ें लाइन अप हुई थी कि इस रेसिपी को सिखाने का मुझे मौका नहीं मिला। बट बिकॉज अब किसी ने मुझे डेडलाइन दे दी थी, ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आगे आप लोग ना दे दिया करें कि एक डेडलाइन उन्होंने दी थी कि इंशाल्लाह एंड ऑफ द मंथ या फर्स्ट वीक जून में उनकी बेटी का बर्थडे है, तो उनको उसके लिए बनाना था। तो मैंने सोचा फिर मैं जल्दी से ये रिक्वेस्ट आपकी पूरी कर दूँ। तो आज हम बना रहे हैं सैंडविच बोर्ड। अच्छा, सैंडविचेस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी डिफरेंट फिलिंग्स के साथ बन सकती है, बहुत सारी वेरिएशंस के साथ बन सकती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द सैंडविचेस जो मेरे बहुत हिट होते हैं। मैंने सोचा फिर मैं ऑब्वियसली बात है यही रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। मैं आप लोगों के लिए आज इसको वाइट ब्रेड में बना रही हूं, बट जो मैं कर रही हूं ये एग्जैक्टली यही चीज़ आप ब्राउन ब्रेड में कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि इन सैंडविचेस को हम साइज नहीं काटेंगे। अब आप सोचोगे ये कैसे सैंडविचेस हैं जिसके साइज ही नहीं कटेंगे, तो बिल्कुल इसके सैंडविचेस के साइज नहीं कटेंगे। उसका रीज़न क्या है? दो रीज़न। जब सबसे पहले जब आप अपने सैंडविचेस को विदाउट ग्रिलिंग या विदाउट टोस्टिंग बनाते हैं तो उसमें कटिंग की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आप लोग सब याद रखें। अब फॉर इंस्टेंस हम सिर्फ ऐसे बनाएंगे सैंडविचेस जिसको अब हमने इसको आगे जाके टोस्ट नहीं करना या ग्रिल नहीं करना, तो फिर हम 100% इसकी साइड को काटेंगे, बहुत बुरे लगेंगे वो। और अगर हम इसको, मैं जिस तरह आज करूँगी, मैं आपको वो भी सिखाऊँगी इंशाल्लाह, पहले मैंने कहा ये वाला सिखा दूं क्योंकि ये लगता बहुत खूबसूरत है, फिर मैं आगे आपको और सारी वेरिएशंस के साथ विदाउट ग्रिलिंग एंड विदाउट टोस्टिंग आल्सो सिखाऊंगी। सो दिस इज़ अ इजी वे, दिस इज़ अ इजी वे ऑफ मेकिंग सैंडविचेस कि हम इसके ऊपर सारी असेंबलिंग करके और फिर हम इसको टोस्ट करेंगे या अपने ग्रिल पैन में ग्रिल करेंगे और फिर हम इसको कट ही करेंगे। हम एक सैंडविच बना के इसको हम फोर में ही काटेंगे, वो अब सब कुछ आपके सामने ही होगा, तो आप ज़रूर इसको प्रॉपर्ली समझ के और देखिएगा। चलें अब हम आपको बताते हैं कि सैंडविचेस बनाने के लिए फिलिंग बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना है। हम चिकन से बनाएंगे, ठीक है। तो चिकन से बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चिकन के ब्रेस्ट को लेकर और देखें बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी क्यूब्स में काट लिया, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब में। इसको मैं मैरिनेट करूँगी, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पर मेरे पास है चिली सॉस, ये पतली वाली चिली सॉस है, ठीक है, ये चिली गार्लिक नहीं है, ये जाएगी 1 टेबलस्पून। इन तीन चीज़ों के साथ हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये देखिए ये मैरिनेट हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास जो बटर है ये है 2 आउंस मक्खन, इस 2 आउंस मक्खन में हम चिकन को फ्राई करेंगे। जब तक 5 मिनट मैं इसको देती हूँ तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाती हूँ कॉकटेल सॉस। 2 टेबलस्पून मेयोनीज है मेरे पास और 2 टेबलस्पून केचप है, इसको हम मिक्स करके और इसकी हम बनाएंगे कॉकटेल सॉस। ये सैंडविचेस का मज़ा जो आता है वो इस कॉकटेल सॉस से आता है, मैंने बहुत बार अपनी ये कॉकटेल सॉस आप लोगों को सिखाई है। देखिए ये हमारी कॉकटेल सॉस को मैंने यहाँ पर बना लिया। अब अगर आप यहाँ देखो मेरे पास है 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड क्यूकम्बर विदाउट सीड्स और 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम। अब करना क्या है, और ये स्वीट चिली सॉस अलग से पड़ी हुई है। अब होगा क्या, अब हम जाएंगे अपनी स्टोव की तरफ, 2 आउंस मक्खन को हम गर्म करके उसमें इस चिकन को फ्राई करेंगे। जब चिकन फ्राई हो जाएगी उसमें हम ये तीनों वेजीज डालेंगे चूल्हे से उतारने के बाद, और हम ऐड करेंगे उसमें स्वीट चिली सॉस। फिर जो हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं डालूंगी 2 आउंस बटर, बटर मेल्ट होगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन।
अच्छा, मैं ग्रिल करूँगी ग्रिल पैन में, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है कोई इतना मसला नहीं है, आप फ्राई पैन में भी कर सकते हो। ग्रिल पैन का फ़र्क आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि एक खूबसूरत सा उसमें एक टच आता है, लाइन आ जाती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन हमारी मैरिनेटेड विथ सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड चिली सॉस। इसको इतनी देर पकाएंगे कि चिकन गल जाए, खुली पकेगी ये, चिकन को हमने ढकना नहीं है। देखें चिकन गल गई हमारी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कैप्सिकम और कॉर्न, खीरा भी नहीं डालूंगी, कैप्सिकम। और मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है। हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। वेजीज आप अपनी पसंद से डाल सकते हो, जो भी आपका दिल चाहे, बट कैप्सिकम और कॉर्न का कॉम्बिनेशन इज अमेजिंग, तो इसलिए मैंने ये दोनों यूज किए। ठंडा करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्यूकम्बर कट इन क्यूब्स एंड स्वीट चिली सॉस। ये देखें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है ये मिक्सचर। अब इसमें हमने डाल दिया क्यूकम्बर। प्लीज मेक श्योर ये गरम में नहीं जाएगा। दो टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस। ये देखें यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन रख दिया है। अब हम सैंडविचेस बनाएंगे, ग्रिल पैन में इसको ग्रिल करेंगे और फिर कट करके आपके सामने सर्व करेंगे। ये देखा आपने कितना जूसी है ये इसी तरह होना चाहिए। अब हम असेंबल करेंगे सैंडविचेस को। यहाँ पर हमने एक अपना बोर्ड रख लिया है, डॉयली लगा दी है और टूथपिक्स अच्छी सी कोई भी आप रख सकते हो। यू कैन सर्व दीज विथ फ्राइज या आप चाहो तो आप वेफर्स चिप्स जो होते हैं उसके साथ भी सर्व कर। अब सबसे पहले हम बहुत अच्छे से इस पर अपनी कॉकटेल सॉस को स्प्रेड करेंगे। अंदर हमने कोई मेयोनीज नहीं डाली है इसीलिए, बिकॉज इसको अच्छे से हम यहाँ पर स्प्रेड करेंगे। सिर्फ हमने स्वीट चिली सॉस डाल दी थी। यहाँ पर मेरे पास है सैलेड लीव, चीज स्लाइसेस, यू कैन यूज मोज़रेला, यू कैन यूज चेडर, हाउएवर यू लाइक, जो आपका दिल चाहता है। मैं मोज़रेला यूज कर रही हूँ। अच्छा, कॉकटेल सॉस आप चिली गार्लिक सॉस से भी बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह दो टेबलस्पून मेयोनीज और दो टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, जैसे हमने दो टेबलस्पून केचप ऐड किए। आपको मैंने ब्राउन ब्रेड का भी बता दिया, आपका दिल चाहे आपके घर में वाइट नहीं खाते सो यू कैन ऑलवेज मेक इट विद ब्राउन ब्रेड। अब पहले मैं इनको असेंबल कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं दो बनाती हूँ फिर मैं बाकी दो बनाऊंगी। फर्स्ट रेड स्लाइस कॉकटेल सॉस एंड आपकी सैलेड लीफ। फिलिंग बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए फिलिंग, ठीक है। फिलिंग के ऊपर जाएगी चीज स्लाइस, फिर इसको हम टॉप करेंगे अपने प्लेन वाले स्लाइस से, और फिर जो हम क्या करेंगे इसको हम ग्रिल पैन से ग्रिल पैन में बटर के साथ ग्रिल करेंगे। आज मैं आपको ग्रिल करने का तरीका भी बताऊंगी। यूजुअली होता क्या है कि हम लोग ग्रिल पैन में डाल देते हैं अपना सैंडविच, लेकिन वो ग्रिल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये आ गया हमारा चीज स्लाइस। ठीक है, ये एक सैंडविच हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसको मैं अच्छे से स्प्रेड करूंगी। इस फिलिंग में हमारी वेजीज और जो मैंने आपको बताया था सारा कुछ, एक चिकन फिले में तीन सैंडविचेस हमारे आराम से बनेंगे, विच मीन्स 14 पीसेस, सॉरी 12
12 पीसेस, 4 बनेंगे एक के। अब अगर आपको डबल करना है, ट्रिपल करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। चीज स्लाइस आपको ज्यादा चाहिए तो आप दो भी डाल सकते हो। एक में मैंने एक डाल दिया, एक में मैं दो डाल दूंगा। आपको चाहिए तो आप ग्रेटेड चीज भी डाल सकते हो। स्लाइस नहीं डालना, यू कैन यूज ग्रेटेड चीज ऑल्सो, मोज़रेला या चेडर। चलें, अब हम चलते हैं अपने स्टोव की तरफ। इन दोनों को मैं रखती हूँ ग्रिलिंग के लिए और यहाँ पर मैं एक और सैंडविच बनाकर इसको कंप्लीट करूँ। अच्छा, देखें, सबसे पहले अब हम अपने ग्रिल पैन पे बटर को ब्रश करेंगे। बटर ब्रश करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने सैंडविचेस। अब हमारी लाइंस क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि हम बटर इसके ऊपर नहीं लगाते, हम इसके ऊपर भी बटर लगाएंगे, ब्रेड के ऊपर। अच्छे से जेनरसली लगाना है। आप ये चीज ऑयल में भी कर सकते हो। अगर आप उसमें बना रहे हो ब्राउन ब्रेड में, सो यू कैन यूज ऑलिव ऑयल। देखें, एक साइड को मैंने फ्लिप कर दिया बिल्कुल आराम से। ये आपने देखा कितनी अच्छे से इस पे ये हमारी लाइंस आ गई हैं। अब ये दूसरी साइड से पकेगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये हल्के से, ये देखें, चीज भी कितनी अच्छी मेल्ट हो गई है, देख रहे हो आप। चलें, ये हो गया है, इसको अब हम निकालते हैं। ये देखें चीज कितनी जबरदस्त मेल्ट हो गई है। और अब मैं डालूंगी इसमें अपना तीसरा सैंडविच। तीसरे सैंडविच को डालने का भी यही तरीका है। हम हल्का सा बटर इस पे ब्रश करेंगे। 3 बने, ठीक है, इस वाली क्वांटिटी में हमारे अच्छे से जेनरस फिलिंग के साथ। ऑब्वियसली सैंडविचेस बनने हैं तो जेनरस फिलिंग होनी चाहिए। रिमेनिंग बटर है, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। आपको मैंने बताया था इस तरह आप करोगे तो अच्छी लाइंस आएंगी। एंड छेड़ना नहीं है, बार बार पलटना नहीं है। एक ही दफा 4-5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। हम लोग करते क्या है कि पहले बदल रहे हैं, फिर बदल रहे हैं, तो वो लाइंस नहीं बन पाती हैं। और अगर नहीं है आपके पास ग्रिल पैन, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको अगर फ्राई पैन में भी करोगे तो कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। चलें, अब वो दोनों जो रेडी हैं उनको हम कट करते हैं और सर्विंग की तरफ चलते हैं। आपको बताते हैं कि ये खूबसूरत से सैंडविचेस को खूबसूरत तरीके से बोर्ड पर सर्व कैसे करना है। मैंने इनको एक के 4 पीसेस कर दिए। एक मैंने यहाँ रखा था कि आपके सामने करूंगी। कोई भी अच्छी सी आपने शार्प नाइफ लेनी है और फिर इसको आपने 4 ट्रायंगल्स बनाए। अब आपने देखा कि हमने क्यों इसके साइज नहीं काटे थे, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसके साइज हम नहीं काटेंगे। कोई इस क्लास के सैंडविचेस बनते हैं। असेंबल आपको जिस तरह पसंद है आप इसको कर सकते हो। अब हम इसमें टूथपिक्स लगाएंगे। कोई भी खूबसूरत सी आप टूथपिक्स लगा सकते हो। कैरेट को ग्रेट करके, कद्दूकश करके और सैलेड लीफ को फाइनली चॉप करके हम लगाएंगे। यहाँ पर मैं इसको गार्निश करूंगी। आप
किसी भी चीज़ से इसको गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सैलेड लीव लगा दिया, ये देखें फाइनली स्लाइस्ड सैलेड लीव एंड कैरेट्स, हल्का सा बस इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा, मैं इसको सर्व कर रही हूँ स्वीट चिली सॉस के साथ, आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। टूथपिक्स हम थोड़े से चिप्स हैं, आप फ्राइज भी यूज कर सकते हो। बजाय कि हम इसको एक साइड पे रखें, मैं इसको चारों साइड पे थोड़ा थोड़ा रख दूं और फिर हम लगाएंगे इस पे टूथपिक। टूथपिक्स से ऑफ कोर्स बहुत ग्रैंड एक लुक आता है, अब तो हर किस्म की टूथपिक्स मिल जाती हैं। जिस तरह आपका दिल करे आप इसको सर्व कर सकते हो। कोल्ड स्लो, यू कैन सर्व इट विद कोल्ड स्लो, यू कैन सर्व इट विद फ्रेंच फ्राइज। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, रेसिपी अच्छी लगी होगी, प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगी होगी। सैंडविचेस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, मेन चीज़ जो होती है वो उसको प्रेजेंट करना होता है। आप, मैंने इसको बिकॉज सैंडविच बोर्ड का नाम दिया है तो मैंने इसको अपने वुडन बोर्ड पे सर्व किया था। आपका दिल चाहे आप किसी कलर प्लेटर में भी इसको सर्व कर सकते हो, वाइट में, ब्लैक में, जैसे आपका दिल चाहता है। किसी खूबसूरत सी ट्रे में भी आप सर्व कर सकते हो। स्वीट चिली सॉस के साथ इसको सर्व किया है, एक पार्टी का लुक देने के लिए इस पर हमने कलरफुल ग्लिटर वाली शिमर वाली टूथपिक्स लगा दी हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इसको फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये टूथपिक से और ग्रिलिंग से ऑलरेडी इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। साइड में बस हल्की सी कार्विंग लगा दी, वो नहीं भी है तो यू कैन जस्ट स्प्रिंकल विथ योर कैरेट्स एंड सैलेड लीफ। ये सब आप अपने माइंड से कर सकते हो, आपके पास कुछ भी नहीं, आप चेरी टोमेटो साइड में लगा दो, पार्सले लगा दो, जो भी आपको करना है। चिप्स नहीं है, फ्राइज तल के लगा दें, कोल्सलो बना के कोल्सलो के साथ सर्व कर लें। वेरिएशंस आर एंडलेस, जो आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। आई होप जिन्होंने ये फरमाइश की थी उनको ये अच्छा लगा होगा। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू, आप इसको बनाओगे और मुझे ज़रूर बताओगे कि ये कैसा बना। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ डू शेयर अ पिक्चर ऑल्सो विथ मी, आई वुड लव टू सी इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।